तो चल है भाई ये तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं और आज हम लोग फिर से एक बार आज माइकल के साथ तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने यार पोलिटियन को एक्सपेंसिव गाड़िया गिफ्ट की है ताकि पोलिटिशियन यार हमारी हेल्प करे फिर से एक बार प्रेसिडेंट बनने के लिए और एक बार अगर माइकल प्रेसिडेंट बन जाता है तो भाई लॉस एंटोज में हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं सारी चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी पर लॉस एंटोज में यार अभी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाले हैं रशियन माफिया यार हार मारने वाला नहीं है उसने भाई अपना

पता लग जाए कि यार आप लोग को स्टोरीज पसंद आ रही है बाकी तुम लोग देख सकते हो यार यार रात होने वाली है है हमारी पूरी टीम टीम कैप्टन को ढूंढने में में लगी हुई है। बाकी आधी स्पीच के बारे पता लगा रही है रशियन माफिया ने स्पीच की लोकेशन ही बदल दी ताकि हम लोग यार वहां पर जाकर स्पीच को खराब ना कर दे और पॉलिटिशियन ने हम लोग को बोला है कि अगर ये स्पीच कंप्लीट हो गई तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे भाई रशियन माफिया किसी को नहीं छोड़ेगा ना माइकल की टीम को और जितने लोग भी माइकल यार माइकल की टीम की हेल्प कर रहे हैं उन सबकी हालत खराब हो जाएगी तो गाइस इस स्पीच को भी रोकना है साथ में यार कैप्टन को भी ढूंढना है पता नहीं ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी तो फटाफट से चलते हैं यार अपनी टीम के के पास और चल के पहले मैं पता करता हूं कि कुछ पता लगा या नहीं लगा क्योंकि आधी टीम यहां से जा चुकी है जो कैप्टन को ढूंढ रही है बाकी लेस्टर और उसके हैकर मिलकर भाई स्पीच के बारे में पता लगा रहे हैं और एक मिनट ये बंदा देख रहे हो पता नहीं क्या कर रहा है भाई तू ड्राइवर हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं और इसको विंडो ठीक करनी है ठीक है भाई तू कर ले बाकी पे माफिया आ चुका है लेसर कुछ पता लगा क्या यार क्योंकि स्पीच को कैसे भी करके रोकना यार स्पीच होनी नहीं, नहीं चाहिए अगर वो पॉलिटिशियन बन गया तो हमारे को छोड़ेगा नहीं भाई हमारे पीछे फोर्स को लगा देगा तो कैसे भी करके यार यार स्पीच के बारे में पता पता लगा और और कैप्टन को और कैप्टन को को भी ढूंढ नहीं रशियन माफिया फ्रैंकलिन ने छुपा रखा है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग को कैप्टन मिल जाता है तो हम लोग उन्हें खत्म कर देंगे बस एक बार यार कैप्टन के बारे में पता लग जाए वैसे इंडियन डॉन और भाई जैक्सन अभी कैप्टन को ढूंढने गए और मेरे को पता है कि इंडियन डॉन ये काम आराम से कर लेगा भाई लेस्टर और हैकर यार जल्दी

लोग कर नहीं सकते हैं भाई कहीं ना कहीं तो कर रहे होंगे और मीडिया वगैरह भी जरूर होगी तो हम लोग को जाकर पता करना पड़ेगा ओके okay, तो गाई रात हो रही है रात में स्पीच नहीं हो सकती स्पीच तो सुबह ही होगी तो हमारे पास बस सुबह तक का टाइम है हमें कैसे भी करके यार सुबह तक स्पीच की लोकेशन पता करनी होगी मैं अभी जा रहा हूँ इस एयरपोर्ट की तरफ मैं वहाँ पर जाकर देखूंगा लेसर जाएगा व्हाइट हाउस की तरफ बाकी गोल्ड माफिया ट्रैवर भाई अपने हैकर अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे क्योंकि पूरा लॉस एंटोज बहुत बड़ा है और इतना तो पक्का है कि लॉस एंटोज में ही कहीं ना कहीं स्पीच होने वाली है अपने को बस लोकेशन पता लग जाए वैसे लेसर यार अपने कॉन्टेक्ट से बातचीत कर रहा है उसकी ना काफ़ी सारे लोग उसे जान पहचान है तो लेसे ने सबको कॉल लगा दिया किसी ना किसी से हमें लोकेशन पता तो लग जाएगी स्पीच को तो मैं कैसे भी करके रोक लूंगा चाहे उसके लिए मेरे को क्रिमिनल क्यों ना बनना पड़े मैं वो भी बनने को तैयार हूँ पर मैं रशियन माफिया को पॉलिटिशियन नहीं बनने दूंगा चाहे हम लोग प्रेसिडेंट ना बने पर यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैप्टन को ढूंढना कैप्टन की जान खतरे में है कैप्टन को बचाना पड़ेगा वैसे इंडियन डॉन ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि यार कुछ भी हो जाए वो कैप्टन को कुछ नहीं होने देगा माइकल वैसे स्पीच को रोके इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट की तरफ बहुत सही तो फटाफट से काम करते हैं भाई कार को भगाते हैं एयरपोर्ट चलते हैं और एक बार यार स्पीच वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद मेरे को पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कार भी लेकर आनी है और पुलिस वाले प्यार से तो वो कार देंगे नहीं तो मुझे उनसे भी लड़ना पड़ेगा पर मैं अपनी कार वहां नहीं छोड़ सकता मेरी कार बहुत ज्यादा प्यारी है ओके तो भाई अभी हम लोग एयरपोर्ट की साइड आ चुके हैं फटाफट से मेरे को अंदर जाना होगा फ्रंट गेट से तो अंदर जा नहीं सकते हैं तो हम लोग को पीछे से ही एंटर करना होगा बस पीछे पुलिस ना खड़ी हो तो अभी हम लोग यार एयरपोर्ट में पीछे की साइड आ चुके हैं और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइज यहाँ सामने से यार एक लोडिंग वाला ट्रक आ रहा है क्या कर रहा है भाई हेलो भाई बाहर निकलो यार मेरे को अंदर जाना है ओके तो यार ये लोग निकलेंगे नहीं मैं फटाफट से अंदर के साइड जाता हूँ फैसे तो गाइज मुझे नहीं लग रहा कि स्पीच एयरपोर्ट पे हो रही है क्योंकि स्पीच में यार देखो काफी सारे वीआईपी आते हैं काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं और अगर स्पीच यहाँ पे हो रही होती तो पक्का यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह होती और पूरा का पूरा एयरपोर्ट रात में खाली होता है बस एक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ओके okay. मुझे नहीं लग रहा कहीं स्पीच यहाँ पे हो रही है इतना तो पक्का हो गया है पर फिर भी यार मैं एक बार हैंगर के पास जाकर चेक करके आ जाता हूँ भाई हम लोग रिस्क नहीं ले सकते कहीं ऐसा हो कि वहाँ पर भाई बंदे वगैरह हों और पीछे के साइड कोई हो ही ना ओके okay. मैं पूरा हैंगर के पास जाकर चेक करके आने वाला हूँ नहीं यार यहाँ स्पीच नहीं हो रही अगर यहाँ पे स्पीच होती तो यहाँ पे प्लेन वगैरह खड़े होते या फिर मेरे को पुलिस वगैरह तो नजर आ ही जाती बट यहाँ पे कोई भी नहीं है ओके okay, तो यहाँ स्पीच तो नहीं हो रही है इतना तो पक्का हो गया है ओके okay, ये तो क्या दो लोकेशन पे स्पीच नहीं हो रही एक पे तो हम लोग लास्ट वाले एपिसोड में मैं ट्रेवर के साथ जाकर चेक करके आ गया था एंड यहाँ पे भी नहीं हो रही बाकी अपनी टीम गई है और लोकेशन पे देखने अगर वहाँ स्पीच हो रही होगी तो वो लोग मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे बाकी फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ यार मेरे को मेन गेट से नहीं जाना है यहाँ पे पुलिस हो सकती है और अगर इन लोगों ने मेरे को देख लिया तो भाई रशियन माफिया को इन्फॉर्म कर देंगे हम लोग जहाँ से आए हम लोग वहीं से निकलते हैं ओके तो मैं लेसर को भी कॉल कर दूंगा कि एयरपोर्ट पर तो स्पीच नहीं हो रही है तुम तो लोग कहीं और पता लगाओ मैं काम कर दो गई मैं सिटी की तरफ भी जाकर चेक कर लेता हूँ हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं फटाफट -फ़ड़ से कार को भगाते हैं एयरपोर्ट से बाहर चलते हैं तो अभी मैं यार सिटी की तरफ जा रहा था स्पीच के बारे में पता करने और गाइज मेरे पास ना अभी इंडियन डॉन का कॉल आया इंडियन डॉन बोल रहे हैं कि यार कैप्टन के बारे में पता लग चुका है तो माइकल एक काम करे फटाफट से यार प्लीटों वाले हॉस्पिटल में पहुंचे तो मैंने उसको बोला भाई कैप्टन ठीक तो है ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई तो इंडियन डॉन बोल रहा है कि माइकल एक काम करे फटाफट से यार हॉस्पिटल आ जाए वो वहीं पे बताएगा तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई मेरा बस थोड़ी देर इंतजार कर मैं बस सिटी में हूँ मैं कुछ ही देर में पहुंचता हूँ तो गाइज अभी मेरे को सारी चीज़ें छोड़कर फटाफट

वैसे इंडियन डोन थोड़ा डरा हुआ लग रहा था तो गाइज मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है तो अभी हम या लोग यार पली पहुंचने वाले हैं और गाइज अब यार सुबह भी हो चुकी है तो फटाफट से चलते हैं हॉस्पिटल में और पता लगाते हैं भाई आखिरकार हुआ क्या है वैसे यार यहाँ पे जैक्सन ही है क्योंकि मैंने जैक्सन को कॉल किया था पता करने के लिए तो जैक्सन बोल रहा है कि यार इंडियन डॉन ने ना उसे कहीं और भेज दिया और खुद यहाँ पे आ गया तो इंडियन डॉन को ही पता है और वो फ़ोन पे मेरे को बता भी नहीं रहा भाई भाई आराम से ब्रेक नहीं लगते ना तो अभी मैं खुद ही हॉस्पिटल पहुंच जाता ओके तो गाय अभी हम लोग फाइनली पलिटो वाले हॉस्पिटल आ चुके हैं एंड ये रहा सामने इंडिया डॉन एक काम करता हूँ पहले पार्किंग में फटाफट से यार कार को लगा देते हैं बहुत सही तो यहाँ पे पार्क करो एंड जल्दी से चल के मैं उसे पता करता हूँ कि यार आखिरकार हुआ क्या है उसने मेरे को कुछ भी फ़ोन पे बताया ही नहीं सीधे मेरे को यहाँ पे बुला दिया हेलो इंडियन डॉन भाई मैं अब आ चुका हूँ आप बताओ कैप्टन के बारे में क्या पता लगा है तो अभी यार मेरी इंडियन डोन से बात होगी और गाइस इंडियन डोन बोल रहा है कि माइकल को इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि कैप्टन यार कुछ टाइम पहले तक यहीं पे था पर अभी यहाँ पे नहीं है तो मैंने इसको बोला भाई वो गया कहाँ पे है तो इंडियन डोन बोल रहा है कि माइकल एक काम करे अंदर चले और डॉक्टर से खुद ही बात कर ले डॉक्टर इसको सारी चीज़ें बता देगा तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है गाइज फटाफट से अंदर चलते हैं एंड तुम लोग यहाँ देख रहे हो काफ़ी सारे पेशेंट हैं ओके okay, तो ये डॉक्टर तो बिजी है यार रिसेप्शन पे तुम लोग देख रहे हो आज पे एक डॉक्टर खड़ा है हेलो डॉक्टर तो मुझे यार कैप्टन के बारे में पता करना है जो पुलिस ऑफिसर है कुछ टाइम पहले तक वो यहीं पे आया था उसके साथ हुआ क्या था और वो है कहां पे भाई तो अभी मेरी यार डॉक्टर से यार बातचीत होगी और कहा डॉक्टर बता रहे कि यार कैप्टन यहाँ पे बहुत बुरी हालत में आया था उसका हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था तो एम्बुलेंस उसे यहाँ पे लेकर आई उसका ट्रीटमेंट चल रहा था एंड जैसे वो यहाँ से जाने वाला था तभी यहाँ पे पुलिस की एक टीम आई क्योंकि कैप्टन भी यार पुलिस वाला था और वो टीम उसको लेकर

इसका मतलब लॉस आंटोस की पुलिस ने यार अपने कैप्टन को किडनैप किया है कैप्टन को लग रहा होगा कि वो लोग उसके घर पे छोड़ देंगे और वो लोग उसे रशियन माफिया के पास ले गए अब ये पुलिस वाले कौन थे इसके बारे में तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा और ये हमें लॉस आंटोस की पुलिस से ही पता लगेगा वैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो है लेसर हैक करके पता लगा लेगा पर मुझे पता है कि यार इसमें हमारी कौन हेल्प कर सकता है इंडियन डॉन फटाफट से काम कर तू मेरे साथ चल तूने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे पता लगा के के बहुत सही फटाफट से यहाँ से निकलते हैं गाइस आप गाइब को याद होगा एक सौट के ऑफिसर की हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले हेल्प की थी वो बंदा अभी हमारी हेल्प करेगा और वो कैप्टन का दोस्त भी है तो शायद वो पता लगा पाए कि आखिरकार कैप्टन कहाँ पे एक बार कैप्टन मिल गया फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नहीं है और मैं किसी भी टीम के बंदे की जान खतरे में नहीं डाल सकता तो पहले उसकी जान बचानी है बाद में हम लोग रेशन माफे से निपटेंगे वैसे अपनी टीम लगी हुई है स्पीच का पता लगाने में हम लोग कैप्टन का पता लगाते हैं और कैप्टन को कैसे भी करके ढूंढना ही होगा और ये फ्रैंकलिन ना मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है भाई फ्रैंकलिन तो पहले मेरे हाथ से पिटेगा मैंने उसे अपने टीम का मेंबर समझा अपना दोस्त समझा उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की और वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं भाई उसने कैप्टन को किडनेप किया और हमारे प्लान में टांग आ रहा है बेटा फ्रैंकलिन तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं बस एक बार कैप्टन मिल जाए फिर फ्रैंकलिन को मैं बहुत गंदा तोड़ने वाला हूँ भाई सच में उसकी बैंड बजा दूंगा तो फटाफट से हाथ से चलते हैं अभी मेरे को लॉस आंटोज़ के पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा तो अभी हम लोग यहाँ सिटी में पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लॉस आंटोस के पुलिस स्टेशन के पास हम लोग पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन के पास ही मैंने उस पुलिस वाले को बुलाया है वो हम लोगों से मिलने आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसके यार इतनी बार हेल्प किया है वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा ओके तो बहुत सही तुम लोग देख सकते हो अगर हम लोग राइट जाते हैं तो गाइस हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाएंगे पर हम लोग वहाँ नहीं जा रहे मैं काम करता हूँ फटाफट से कार को साइड में लगा देता हूँ एंड तुम लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे लोग ब्रिज के नीचे रहते हैं यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं देगा हम लोग यहाँ पर आराम से मिल सकते हैं अबे इंडिया आ जाए यार तुम लोग देख रहे हो यार इन लोगों की कि हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है कोई दिक्कत की बात नहीं यार माइकल एक बार प्रेसिडेंट बन जाए मैं इन सब लोगों के लिए भाई घर लेकर दूंगा और इनके लिए जॉब वगैरह का इंतजाम भी करूंगा आप लोग को याद ही होगा माइकल सारे गरीब लोगों की कि कितनी ज्यादा हेल्प करता था यार इसीलिए माइकल को प्रेसिडेंट तो बनना ही चाहिए आप लोग को क्या लगता है कॉमेंट करके बताना ओके आ जा भाई इंडियन डॉन फटाफट से आ हम लोग यहीं कहीं पे इंतजार करते हैं कुछ ही देर में वो पुलिस वाला आ जाएगा आराम से उससे बात करेंगे शायद उसको कैप्टन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा और इसीलिए हम लोग को कैप्टन मिल नहीं रहा था क्योंकि कैप्टन का रशियन माफिया ने कभी किडनैप किया ही नहीं था भाई रशियन माफिया ने अपने बंदों को भेजा था शायद पुलिस वाले उसके लिए काम करते हैं तो अभी हम लोग यार यहाँ पे खड़े हो गए पुलिस वाले का वेट कर रहे थे पर गाइज वो बता रहे हैं कि यार वो वहाँ आ नहीं सकता है क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले हैं एंड लोग भी यहाँ पे बहुत सारे हैं तो अगर यहाँ पर आकर हम लोगों ने कुछ बात की तो गाइज गड़बड़ी हो जाएगी और मुझे लगता है उस पुलिस वाले को पता है कि हम बात क्या करने आए हैं तो इसीलिए उसने मेरे को बगल वाले बस स्टॉप पर बुलाया मैंने उसको बोला भाई ठीक है दो मिनट इंतजार कर मैं वहीं पे आया आ जाए इंडियन फटाफट से आकर कार में बैठ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उससे पहले इस बता

एक सेकेंड गाइज अभी ना इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा निकल यहाँ से मैंने भी तो यार मार्केट के अंदर से गाड़ी डाली अभी हटे जाओ तुम लोग देख रहे हो यार कोई साइड देने को तैयार ही नहीं हो रहा है अबे हटो यार हटो हटो हटो, हटो एक सेकंड एक सेकंड मैंने गलती से एक बंदे को ठोक दिया कोई दिक्कत नहीं है एक दो को ठोकूंगा ना तब ये लोग हटेंगे ओके okay, तो अगर मैं पूरा आगे से घूम कर आता तो भाई मेरे को थोड़ा सा दूर पड़ता बट मैं डायरेक्ट आ गया तुम लोग सामने देख रहे हो वोरा बस स्टॉप और ये देखो तेरी ऐसी की तरह निकल यहाँ से सारे लोग गाइज मेरे से लड़ने का देख रहे हो और मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट बस स्टॉप पे तुम लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है अब हट निकल यहाँ से ओके बहुत सही यहाँ देख रहे हो मैं इतनी देर से इन लोग को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कोई भी साइड ही नहीं हट रहा था एंड जैसे मैंने एक दो को उड़ाया ना सारे लोग उन्हें साइड दे दी बहुत सही तो गाइज यहाँ खड़े हैं सामने एक सोवठ का बंदा फटाफट से इससे बात करते हैं ओके okay, तो यार देख तेरे को पता है मैं तेरे से बात क्या करने आया हूँ मैं यहाँ पे कैप्टन के बारे में पता करने आया हूँ तो अगर तेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो यार हमें देख कैप्टन की जान खतरे में है और मैंने तेरी बहुत बार हेल्प किया है कैप्टन तेरा भी दोस्त है और हमारा भी दोस्त है तो कैप्टन की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है तेरे को जो भी पता है सारी बातें बताओ जो so, अभी यार काफ़ी देर बात करने के बाद फाइनली गाए इस बंदे ने अपना मुँह खोल दिया है और इसने मेरे को सारी चीज़ें बता दी है तो ये बता रहे हैं कि यार एक दो दिन पहले की बात है भाई कैप्टन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल से यार कॉल आया था पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वाले यार उसे हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन लेकर गए थे मिलिट्री वाले लेकर गए हैं बस इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो थैंक यू यार इतनी इंफॉर्मेशन भी हमारे बहुत ज्यादा काम आ जाएगी बाकी गाई फटाफट से निकलते हैं ये भी अभी यहाँ से जा रहे हैं हमें कोई बात करते हुए देख ले नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे वैसे काफी सारे लोग खड़े हुए पर कोई टेंशन की बात नहीं है ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले इंडियन डॉन फटाफट से कार में बैठ अभी अपने को अपनी टीम के पास चलना है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है कहीं जल्दी से चलते हैं अगर फ्रैंकलिन मिलिट्री वालों के साथ भाई कैप्टन को पुलिस स्टेशन से लेकर गए तो वो कैप्टन को कहीं और नहीं पक्का मिलिट्री बेस ही ले गए होंगे क्योंकि उन लोगों को लग रहा होगा कि माइकल कैप्टन को लॉस एंटोज में हर एक जगह ढूंढेगा पर कभी मिलिट्री में नहीं आएगा क्योंकि मिलिट्री में घुसना अभी हमारे लिए एकदम इम्पॉसिबल जैसा है तो गाइज मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार अपना कैप्टन मिलिट्री बेस में ही है उन लोगों ने उसे वहीं पे रखा है और फ्रैंकलिन ने हमें पागल बनाने के लिए बोला था कि वो प्रेसिडेंट के मैंशन पे है इसीलिए वो हमें वहाँ पे नहीं मिला और ना फ्रैंकलिन वहाँ मिला तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं अपनी टीम के पास और चल के उनसे बात करते हैं लेस्टर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो हैकिंग वगैरह करके पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगाएगा और उस पुलिस वाले से हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता लगी है भाई कैप्टन को उन लोगों ने मिलिट्री में छुपा के रखा है वो कैप्टन की हालत ठीक नहीं है उसका एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया पर कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी हम लोग उसकी जान ज़रूर बचाएंगे तो so गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं भाई लेस्टर की गवर्नमेंट फैक्ट्री में ये लोग शायद यहीं पर ही होंगे वैसे ये लोग बाहर जाने वाले थे पर मैं शायद थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ ओके फटाफट से चलते हैं तुम लोग देख रहे हो गाइज़ अभी भी एक कार यहाँ पर खड़ी हुई है फटाफट से अंदर चलते हैं इंडियन डॉल फटाफट से आ जाओ और जैक्सन को भी कॉल कर दे जैक्सन को भी वापस बुला ले ओके बहुत सही फटाफट से चलो ऊपर और जल्दी इसे चल के टीम से बात करते हैं और एक मिनट यार मैं करीब दो तीन घंटों के बाद यहाँ पर आया और ये ट्रेवर भाई कौन सी खिड़की ठीक कर रहा है यार तू यहाँ भाई हमें लॉस एंटोज में और भी बहुत ज़रूरी काम है भाई ये बंदा सुनता ही नहीं है ओके okay, तो अपनी पूरी टीम यहीं पे ही है लेस्टर मेरे को एक बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है भाई हॉस्पिटल हम लोग गए थे वहाँ से हमें पता लगा कि कैप्टन को पुलिस वाले ले गए और पुलिस वालों से बात हुई तो वो पता है फ्रैंकलिन मिलिट्री वालों के साथ आया था और कैप्टन को पुलिस स्टेशन से शायद मिलिट्री ले गए तो अभी तो हैकिंग कर जो करना है कर पर पता लगा कैप्टन कहाँ पर अगर मिलिट्री में हुआ तो हम लोग मिलिट्री में घुसेंगे और कैप्टन की जान बचाएंगे तो भी आर लेसर और उसके हैकर ने भाई हैकिंग करना चालू किया और इन लोगों ने मिलिट्री के आसपास के सारे के सारे कैमरास को हैक कर दिया जितनी भी शॉप है जितने भी भाई सीसीटीवी कैमरा लगे थे सबको हैक करने के बाद फाइनली गाइस जो मेरे को लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है फ्रैंकलिन भाई दो तीन मिलिट्री वालों के साथ अपने कैप्टन को मिलिट्री बेस के अंदर लेकर गया था और वो वहीं पे है क्योंकि ना फ्रैंकलिन बाहर है और ना ही अपना कैप्टन बाहर आया है फ्रैंकलिन को डर होगा कि माइकल अगर उसे मिल गया तो माइकल उसे छोड़ेगा नहीं भाई खत्म कर देगा इसीलिए फ्रैंकलिन अपनी जान बचाने के लिए मिलिट्री के अंदर छुपा हुआ है और साथ में कैप्टन भी तो ले सर अब तू मेरे को बस ये बता कि हम लोग अंदर कैसे घुसेंगे मेरे को कैप्टन की जान बचानी है और जो भी सामने आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई मेरे को सबको मारना है और कैप्टन को कैसे भी करके बचाना होगा तो अब तू मेरे को ये बताओ कि मैं अंदर कैसे जाऊं तो so, भी यार लेटर बोल रहे हैं कि यार मिलिट्री के अंदर जाने का तो कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि मिलिट्री वाले पूरा तैयार होंगे कि माइकल बस अंदर आए और कैसे भी माइकल को खत्म कर दे तो माइकल अगर अंदर जाता है तो माइकल का बाहर आना एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि कितनी भी बुलेट प्रूफ कार हो भाई मिलिट्री वाले टैंकर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे पर लेस्टर तू अपनी जीवागन को तो भूल ही गया जीवागन को भाई ना कोई टैंकर उड़ा सकता है ना कोई हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है अगर हम लोग जीवागन को लेकर मिलिट्री के अंदर जाते हैं तो मैं आसानी से अंदर जा सकता हूं और आसानी से बाहर भी आ सकता हूं। बस मुझे कैसे भी कैप्टन को ढूंढना होगा तो पहले अगर हम लोग को जीवागन हमें मिल जाती है तो हम लोग शायद कैप्टन की जान बचा लें पता कैसा लगा आइडिया भाई जीवागन के साथ में मिलिट्री के अंदर पहले भी गया हूँ हम लोग अभी भी जा सकते हैं और आसानी से बाहर भी आ सकते हैं तो अभी यार लेसर को मेरा प्लान काफी ज्यादा बढ़िया लगा है लेसर ने यार अपने हैकर को बोल दिया है वो जीवागन का पता लगा रहा है कि यार अपनी जीवागन है कहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग को अपनी जीवागन को लेकर आना पड़ेगा फिर हम लोग जीवागन लेकर मिलिट्री के अंदर जाएंगे क्योंकि मैं पहले भी जा चुका और कोई ऑप्शन नहीं है भाई जाना ही पड़ेगा तो पहले हम लोग कैप्टन की जान बचाएंगे स्पीच गई भाड़ में भाई स्पीच तो हम लोग बाद में भी रोक लेंगे पर पहले अपने दोस्त की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई ट्रेवर ने अभी अपना काम छोड़ दिया तो पता नहीं क्या यार विंडो ठीक करने लगा हुआ था और जैक्सन भी यहाँ पे आ चुका भाई सब बढ़िया है ना भाई धीरे धीरे इसकी बॉडी मेरे को और ज्यादा खतरनाक लगती जा रही है यार धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक हो गया ये बंदा ओके okay, तो जैक्सन भी आ चुका है बाकी यार गोल्ड माफिया और इंडियन डॉन स्पीच के बारे में पता लगाने चले गए हैं वो कुछ पॉलिटिशियन से बात करने शायद स्पीच के बारे में भी हम लोग को पता लग जाए तब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा बस लेस्टर और हैकर पता लगा लें कि अपनी कार है कहां पे वैसे मुझे यह पता लगा था कि वो पुलिस स्टेशन में है पर कौन से पुलिस स्टेशन में और उसे चोरी कैसे करना है इसके बारे में लेस्टर अभी बताएगा तो अभी यार लेस्टर ने पता लगा लिया कि यार अपनी जी वैगन है कहाँ पे तो लेसन बोल रहे हैं कि यार जी वैगन अभी पुलिस स्टेशन में नहीं है यार वहां से जिमी लेकर चला गया है और जीव वैगन की

ओके okay, तो मैं काम करता हूँ यार ये वाली कार लेते हैं एंड जल्दी से निकलते हैं पहले मैं एक बार चेक कर लूँ जाकर कि सही मैं जीवागन वहीं पर खड़ी है क्या क्योंकि मैंशन पे गाइज मुझे नहीं लगता कि रशियन माफिया या फिर फ्रैंकलिन होगा क्योंकि फ्रैंकलिन गाइज अभी मिलिट्री बेस में है और रशियन माफिया यार स्पीच के लिए थोड़ा बिजी है तो मैंशन पे यार रशियन माफिया की सिक्योरिटी होगी और अकेला जिम्मी है और जिमी भी देख रहे हो भाई जीवागन के पीछे ही पड़ा है भाई उसको जब भी पता लगता है कि जीवागन कहाँ पे है भाई वो सीधे लेने चले जाता है हद है यार और अभी मुझे जी वागन को वहाँ से चोरी करना पड़ेगा मुझे नहीं पता मैं ये काम करने कैसे वाला हूँ पर करना तो पड़ेगा अगर जीवागन नहीं हुई तो हम लोग कैप्टन की जान नहीं बचा पाएंगे तो जी वागन को वापस तो लाना ही पड़ेगा फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन से यार जी वैगन वापस लाना बहुत ज़्यादा आसानी का काम था हम लोग वहाँ से आराम से चोरी कर लेते पर रशियन माफिया के मेंशन पे यार थोड़ी दिक्कत हो जाएगी यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और मीडिया के बंदे भी बाहर रहते हैं इसमें शायद हमारी पॉलिटिशियन थोड़ी हेल्प कर पाएँ पर पहले चल के चेक कर लेते हैं कि गाड़ी वहाँ पे है तो ना कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी वहाँ पे हो ही ना तो अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस दर्शन माफिया के मेंशन में की तरफ तो फटाफट से चल के देखते हैं कि यार अपनी कार वहाँ पे है या नहीं है लेस्टर का मेरे पास कॉल आ रहा था कि माइकल गया कहाँ पे है तो मैंने उसको बताया ही नहीं मैं बस चुपचाप से यहाँ पर आ गया क्योंकि अगर मैं लेस्टर को बता देता कि मैं यहाँ पर हूँ तो लेस्टर मेरे को ये काम कभी नहीं करने देता ओके तो गाइज़ पहले ना मेरे को अपनी कार को साइड में लगाना है बहुत सही काम करते हैं यहाँ पे साइड में लगाते हैं हम लोग इन गेट से अंदर जा सकते हैं मैं पहले भी अंदर जा चुका हूँ बस मुझे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा ओके तो गाइज अभी गेट ओपन है और एक सेकेंड भाई सामने सिक्योरिटी खड़ी है तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइज सामने सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा है इसका मतलब भाई इस मेंशन पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है एक मिनट भाई यहाँ पे रास्ता ही नहीं है आगेगा अंदर जाने का भाई यहाँ पे भी सिक्योरिटी खड़ी है इन लोगों ने सिक्योरिटी पहली बात तो यह कि गाइस सिक्योरिटी बदल दी ये सिक्योरिटी यहाँ पे थी यार पहले सिक्योरिटी के भाई वाइट कलर के यहाँ पे कपड़े थे एंड इस वाली सिक्योरिटी के कपड़े थोड़े से अलग हैं तो फटाफट से गाइस आगे चलते हैं और चल के देखते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ से ऊपर चढ़े क्या बहुत सही तो गाई मैं ऊपर आ चुका हूँ और एक सेकेंड यहाँ पे सिक्योरिटी गाइज एकदम अलग गा है और पीछे तुम लोग देख रहे हो भाई वहाँ पे आग लगी हुई है ऐसा लग रहा है किसी ने आग लगा रखी है वो भी रशियन माफिया के मेंशन के अंदर और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है वो तो अच्छा है कि यार यहाँ पे इन लोगों की नज़र मेरे ऊपर नहीं गई है अगर नज़र चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी मैं एक काम करता दो क्या आगे से घूम कर जाता हूँ बस ये लोग मेरे को देख ना ले ओके बहुत से बहुत से बहुत से हैकर के घर के अंदर से होकर चलते हैं ताकि ये लोग मेरे को देखें ना मैं काम करता दो फटाफट से गेट बेचा दो यार गेट ही खुल के और एक मिनट भाई ये आग तो मेरे को पार्किंग एरिया की तरफ से लाते हुए दिख रही है ना यहाँ पे क्या हो रखा है एक मिनट चल के देखे क्या सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है ऊपर के साइड भी सिक्योरिटी है एक बार यहाँ पर, पर चढ़ के देखते हैं ओके काइज़ मैं आप ही चढ़ चुका हूँ मेरे सामने सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा है यार हर जगह सिक्योरिटी है पहले मैंशन में घुसना बहुत आसान था बट अभी तुम लोग देख रहे हो मेंशन में घुसना बहुत मुश्किल है ऊपर के साइड भी सिक्योरिटी है एक काम कर दे गाइस यहाँ से चढ़ के अंदर चलते हैं एक मिनट यहाँ से चढ़ो चुपचाप से अंदर चलो अभी आराम से माइकल बहुत सी गाइस मैं आराम से अंदर आ चुका हूँ गन वगैरह मैं हाथ में निकाल लेता हूँ वैसे गन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली ओके okay. पूरा मेरे को घूम कर जाना पड़ेगा बस सामने बंदे ना मिल जाए अगर इन लोगों ने मेरे को देख लिया तो गोलियां चलाना स्टार्ट कर देंगे और मैं खतरे में आ जाऊंगा मैं यहाँ पे इन लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ मैं अपनी जान से सिर्फ व सिर्फ इसलिए खतरे में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कार चाहिए भाई अपने दोस्त को बचाने के लिए और गाइस पीछे बहुत तगड़ी वाली किसी ने आग लगा रखी है मुझे नहीं पता ये रशियन माफिया का काम है या फिर ये किसने किया एक मिनट यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं घर अंदर रख लेता हूँ ताकि इन्हें मेरे ऊपर शक ना हो कि मैं यहाँ पे लड़ने आया हूँ पीछे के साइड गाइस ज़्यादा बंदे नजर नहीं आ रहे ओके ये चीज़ अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर एक लेडी खड़ी है ओके आराम से आराम से आराम से एक सेकेंड गाइज तुम लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे भी सिक्योरिटी वाला है एंड पीछे आग जैसी लगी हुई है और पीछे मुझे कोई डांस करते हुए नजर आ रहा है वो कौन है भाई बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है मैं देख नहीं पा रहा बट कोई तो वहां पे डांस कर रहा है एक मिनट थोड़ा आगे चल के देखें क्या एक सेकेंड गाइज ये तो अपनी जीवागन है ना भाई इन लोगों ने अपनी जीवागन में आग लगा दी एक मिनट भाई मैं अभी नहीं रुकने वाला एक मिनट गाइज अपनी जीवागन में आग लगा दी इन लोगों ने और ये कौन है तेरी तो ऐसी जिम्मी अबे यार गाइज यहां पे अपनी गाड़ी जिम्मी ने उड़ा दी है हाई ये क्या कर दिया इसने मेरे को यकीन नहीं हो रहा गाइस अपनी जीवागन जी ने पूरी खत्म कर दी और सामने खड़े होकर डांस कर रहा था हद दे यार गाइस बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है यही तो आखिरी उम्मीद थी अगर ये गाड़ी अपने पास होती तो हम लोग कैप्टन को बचा लेते अभी अपनी कार ही अपने पास नहीं है गाइस मैं एक सेकंड में यहाँ से जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट से सामने कार खड़ी हुई है ना निकल एक काम करो यार यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस जिमी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया एक सेकेंड जिमी मैं तेरे से बाद में निपटूंगा यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस हद है यार अपनी कार खत्म हो गई मुझे यकीन नहीं हो रहा गाइस कि ची वागन ख़त्म हो चुकी है और वो भी जिमी ने काम किया मुझे लगा था वो पुलिस स्टेशन से अपनी कार सिर्फ चलाने के लिए लेकर आया है पर उसने अपनी पूरी कार बाई डिस्ट्रॉय कर दी आग लगा दी और खड़े होकर डांस कर रहा है भाई मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाता तो शायद मैं अपनी कार को बचा सकता था पर गाइस हम लोग अपनी कार को नहीं बचा पाए हमारी जीवागन यार डिस्ट्रॉय हो चुकी है मेरी फेवरेट कार गाइस अब यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग कैप्टन की जान कैसे बचाएंगे क्योंकि अगर अपने पास जीवागन होती तो हम लोग कैप्टन की जान बचा सकते थे पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है यार हम लोग कुछ भी लेकर अगर मिलिट्री के अंदर गए तो मिलिट्री वाले पहले से तैयार हैं और वो लोग हमें घुसते ही हमें ख़त्म कर देंगे खाई सभी करे तो करे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं काम कर दो पहले थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं फिर जाकर लेस्टर को कॉल करता हूँ शायद लेस्टर कुछ बताए भाई अपनी कार खत्म हो गई यार मैं जिमी तेरे को छोड़ूंगा नहीं जिमी ने पक्का ये रशियन माफिया के कहने पर क्या होगा कुछ भी हो जिमी तू पिटेगा जरूर ओके okay, इसकी सज़ा जिमी से मैं ज़रूर लूंगा ये काम करते गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ लेस्टर से पूछते हैं को भी यार मैंने से बात की से उसकी कार को जलाया पूरी कार डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि रेशन माफिया को भी पता था कि माइकल अपनी कार लेने जरूर जाएगा और माइकल कार लेकर ही भाई मिलिट्री के अंदर जा सकता है इसीलिए माइकल की जीवागन डिस्ट्रॉय हो गई तो मैंने लेस्टर को बोला कि यार आखिरकार अब क्या कर सकते हैं तो कहा इसे ने एक आइडिया तो दिया है पर पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा तो आप लोग को याद होगा माइकल एक बॉडी सूट पहनकर घूम रहा था जो कि काफी स्ट्रांग था उस बॉडी सूट से माइकल को कोई नुकसान ही नहीं पहुंच रहा था तो लेस्टर बोल रहे है कि अगर साइंटिस्ट अभी वो बॉडी सूट माइकल को दोबारा दे देते हैं थोड़ी देर के लिए तो माइकल वो बॉडी सूट पहनकर भाई मिलिट्री के अंदर जा सकता है और उसके बाद हम लोग कैप्टन को बचा कर लेकर आ जाए और माइकल उस बॉडी सूट को वापस कर दे पर मुझे नहीं लगता साइंटिस्ट यार ये फिर से काम करेंगे क्योंकि मैं ना खुद जाकर साइंटिस्ट को यार वो बॉडी सूट देकर आया हूँ शायद इसमें यार मिलिट्री कर्नल हमारी कुछ हेल्प कर पाए क्योंकि साइंटिस्ट मिलिट्री कर्नल का दोस्त है मैं काम करता हूँ मिलिट्री कर्नल को कॉल करता हूँ और उससे बोलता हूँ साइंटिस्ट से बात करने के लिए बाकी का ये लोकेशन देख रहे हो यार क्या बढ़िया लग रही है भाई यहाँ जैट्स की वगैरह खड़ी है भाई वाटरफॉल है सामने लोकेशन तो काफी ज्यादा प्यारी है तो मेरी मिलिट्री कैनल से यार बातचीत हो गई और मिलिट्री कैनल बोल रहे हैं कि यार कोई दिक्कत की बात नहीं है माइकल ह्यूमन लैब की तरफ जाए वो साइंटिस्ट से बातचीत करके भाई माइकल को बॉडी सूट दिला देगा माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले तो फटाफट से काम करते गाइज अभी हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा ओके okay, तो वो रही कार एंड ये कार मेरे को रशियन माफिया के मेंशन से ही मिली है बस यार इसमें ट्रैकर वगैरह ना लगाओ वैसे मुझे नहीं लगता मुझे लगता है ये जिमी की कार ही है क्योंकि जिमी ना ऐसी कार्स रखता है और भाई की कार मॉडिफाई भी है तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बाकी रशियन माफिया ने माइकल को रोकने के लिए प्लान तो भाई काफ़ी तगड़ा बना रखा है भाई कैप्टन को कितना किया मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय करवा दी पर वो माइकल को रोक नहीं सकता माइकल कैसे ना कैसे भाई मिलिट्री बेस पहुँच ही जाएगा कैप्टन की जान बचाने के लिए तो अभी मेरे को फटाफट से यार यहाँ से क्यों मैं लाभ निकल रहे हैं बस यार साइंटिस्ट वो बॉडी सूट मेरे को दे दें और एक बार वो सूट मेरे पास आया फिर तो मैं भाई एक बाइक से भी मिलिट्री के अंदर जा सकता हूँ मेरे को डरने की जरूरत नहीं है मेरा कुछ कोई कर ही नहीं पाएगा तो फटाफट से कार को भगाते हैं जल्दी से चलते हैं गाइस ह्यूमन लैब तो अभी हम लोग यार ह्यूमन लैब के पास पहुंचने वाले हैं गाइस फटाफट से यार अंदर चलते हैं क्योंकि मेरे पास अभी साइंटिस्ट का मैसेज आ चुका है बोल रहा है भाई ठीक है माइकल अंदर आ जाए माइकल को सूट मिल जाएगा पर एक कंडीशन पे भाई सूट डैमेज नहीं होना चाहिए और सूट एक घंटे के अंदर उन्हें वापस चाहिए तो मैंने अभी हाँ तो बोल दिया है पर गाइज मैं कुछ बोल नहीं सकता एक घंटे के अंदर मैं वापस तो कर दूंगा पर सूट डैमेज होगा नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि गाइज मैं मिलिट्री के अंदर जाने वाला हूँ और आप लोग को पता है वहाँ क्या हो सकता है ओके तो गाइज़ यहाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी खड़ी है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई अभी फटाफट से अंदर चलते हो और एक सेकेंड भाई गेट क्यों नहीं खुला ओके ये तो गाइज़ मैं शायद कार लेकर जल्दी अंदर जा सकता हूँ एक बार कार लेकर खड़े होते हैं तो अभी मैं यार कार लेकर खड़ा था और अचानक से यार गेट ओपन हो गया मुझे लगता है कि गेट को ना ये लोग अंदर से ही कंट्रोल करते हैं भाई बाहर से कोई नहीं कर सकता ओके सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही है भाई पीछे भी सिक्योरिटी है अंदर भी सिक्योरिटी है पर मेरे को डायरेक्टली यार यहाँ पे साइंटिस्ट के पास जाना है या फिर उस चेंबर में जाना पड़ेगा जो वहां पे चेंबर बना होता है क्योंकि बॉडी सूट वहीं पे ही है और साइंटिस्ट यार थोड़ा सा नाराज भी हो रहा था क्योंकि मैंने सूट काफी डैमेज करके वापस किया था यार मैं करता भी क्या यार बार बार मेरे ऊपर अटैक हो रहे थे पर कोई दिक्कत नहीं अभी मैं पूरा ट्राई करूंगा कि सूट ज़्यादा डैमेज ना हो भाई सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा लगा रखी है इन लोगों ने चलो बढ़िया है यार इन लोगों के लिए भी तो खतरा रहता है फटाफट से अंदर चल के यहाँ सूट वगैरह ले लेते हैं पोसे और गाइज अगर सूट डैमेज भी हो जाता है ना तो मैं काम करूँगा रिपेयर कराने के पैसे दे दूँगा पर अभी मेरे को बस सूट चाहिए बहुत सही भाई पूरे ह्यूमन लैब में लोगों ने सिक्योरिटी लगा रखे हैं लोगों को ज़्यादा ही खतरा हो गया क्या क्या तो अभी मेरी साइंटिस्ट से यार बात हो गई और गाइस ये मेरे को बोल रहा है कि माइकल चैम्बर में जा सकता है वहां पे माइकल को सूट मिल जाएगा तो फटाफट से मेरे को अंदर जाना है ओके जल्दी 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 तुम लोग देख सकते हो गाइस टेस्ट चेम्बर फटाफट से अंदर जाके यार सूट पहन लेते हैं एंड मुझे नहीं पता कि मेरे मेरे को वही वाला सूट मिलेगा या फिर कोई और सूट मिलने वाला है क्योंकि ये लोग काफ़ी सारे सूट्स पे काम करते हैं और वो कोई नॉर्मल सूट नहीं है गाइस वो एक बॉडी सूट है फटाफट से अंदर चलते हैं तुम लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नहीं है बहुत सही तो फटाफट से देखते हैं इन लोगों ने बॉडी सूट रखा कहाँ पे तो भी हम लोगों ने यार बॉडी सूट पहन लिया और गाइस मेरे को ना यार ये वाला बॉडी सूट काफी बढ़िया लगा था इसीलिए मैंने इसको पहन लिया तो हम लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो वाइट वाइट कंटेनर्स रखे हुए हैं ना इनके अंदर बॉडी सूट है दो और यहाँ पे रखे हैं पर मुझे वो नहीं चाहिए यार ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा था इसीलिए मैंने इसको पहन लिया अभी फटाफट से बाहर चलते हैं मैं सर को कॉल कर दूंगा कि यार बॉडी सूट मेरे को मिल चुका है अभी मेरे को एक बढ़िया सी गाड़ी चाहिए जिसको लेकर मैं मिलिट्री बेस के अंदर जाऊंगा और जो भी मेरे सामने अभी आएगा ना गाइज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला

और डैमेज भी नहीं होना चाहिए तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है सूट का अब ये तो बार ही चल के पता लगेगा वैसे ये सूट पहले से और ज्यादा तगड़ा बना दिया है लोगों ने काफी ज्यादा हैवी भी, भी लग रहा है मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है तो माइकल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा पर मिलिट्री के अंदर जा रहा हूं तो गई इसमें गारंटी नहीं ले सकता कि सूट को क्या होगा सूट तो पक्का डैमेज हो जाएगा क्योंकि मिलिट्री में ना चारों तरफ से गोलियां पड़ती है और गोलियां ही नहीं हेलीकॉप्टर्स कार्गो प्लेन भाई मिलिट्री के टैंकर वगैरह सब अटैक करेंगे खोलो भाई गेट देख लो बाहर जाते हो टाइम गेट खोल जा रहा है अभी गाड़ी कहाँ गई मेरी हेलो अभी मैं कार लेकर आया था वो कौन ले गया एक सेकंड यहाँ पे कार खड़ी थी ना वो कहाँ गई जो भी यार सिक्योरिटी वाला बता रहा है कि यार एक बंदा आया था वो गाड़ी को उठा कर ले गया इन्हें लगा कि यार वो कार उसकी है हद है भाई हे लोगों ने मेरे को आते हुए नहीं देखा क्या वैसे ये मेरे को पहचानेंगे भी कैसे मैंने बॉडी सूट जो पहन लिया है ओके कहे तो यार अभी मेरे को यहाँ से कार उठानी पड़ेगी यहाँ पे तो नॉर्मल सी गाड़ियाँ है सारी की सारी कौन सी कार लूँ कौन सी कार लूँ एक काम करते हैं गाइज ये वाली गाड़ी लेते हैं इसी से निकलते हैं है। मैले सर को कॉल कर दूंगा कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है जिससे मैं मिलिट्री के अंदर जाऊँ क्योंकि मैं तो अंदर एकदम सेफ़ रहूंगा पर कैप्टन पे भाई कैप्टन को नुकसान पहुंच सकता है उसे भी सेफ़ रखना है फटाफट से निकलते हैं अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता गाइज़ अपने को फाइनली सूट मिल गया यार मिलिट्री कर्नल के कहने पर तो मुझे तो लगा भी नहीं था कि साइंटिस्ट मेरे को यार सूट देंगे अभी अपने पास सूट है जल्दी से चलते हैं और चल के अभी कैप्टन की जान बचाते हैं अभी मेरे को वेट नहीं करना है बस एक गाड़ी लेनी है सीधे मिलिट्री के अंदर एंटर कर जाना है जो होगा देखा जाएगा अभी मैं किसी से नहीं लड़ने वाला हूँ फटाफट से यहाँ से चलते हैं तो अभी मेरी मेरे लेसर से यार बात हो गई गया बोल रहा है माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले माइकल मिलिट्री के बाहर पहुंचे ट्रेवर अभी वहाँ पे एक कार लेकर आ रहा है ट्रेवर को उसने वहाँ से भेज दिया है बहुत सही गाइस मिलिट्री के बाहर मेरे को ड्राइवर मिल जाएगा और ट्राइवर को ना मैं बाहर ही छोड़ दूंगा अंदर लेकर नहीं जाऊंगा ड्राइवर को मैं बोल दूंगा तू मेरा बाहर छुप इंतजार कर अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो तू अंदर आ जाना बस ट्राइवर यार बात सुन ले फटाफट से मिलिट्री के बाहर चलते हैं और भी सीधे मैं अंदर एंटर करूंगा और मिलिट्री वाले तो अभी मेरे हाथ से बचने वाले नहीं है आर और मिनी गन भाई उन पर चलाने वाला हूँ नॉर्मल गन से तो भाई मैं उन्हें मार नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे टैंकर्स होंगे और मुझे पता है कि टैंकर्स को रोकना कैसे है फटाफट बड़ से गाड़ी भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं इस मिलिट्री के बाहर तो वो भी हम लोग यार मिलिट्री की तरफ पहुंचने वाले और गा यहाँ तक आने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ये वाली गाड़ी यार बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है ओके तो यहाँ पर आके भाई वन थर्टी वन फोर्टी पहुँचने वाली है पर यहाँ तक आने में सही में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे लगता है कि ड्राइवर शायद अभी तक यहाँ पर आ गया हो गया ट्रेवर काफ़ी जल्दी आ जाता है कि मेरे को चल के देखना पड़ेगा और अगर ड्राइवर नहीं आया होगा तो मेरे को उसका वेट करना पड़ेगा अलहसे ने बोला था कि यार कपड़े की जो दुकान है उसके आसपास ही ड्राइवर होगा तो मैं एक काम करता हूँ गाइस फटाफट से मैं गाड़ी को यहाँ साइड लगाता हूँ और एक सेकेंड वो रहा सामने ड्राइवर भाई ड्राइवर इतना आगे क्या कर रहे हो और कौन सी गाड़ी लाई ये ब्लैक वाली गाड़ी तो नहीं अब यार इससे अच्छा तो यार वही गाड़ी है ड्राइवर भाई कौन सी गाड़ी लाया तू ये वाली गाड़ी लाया क्या तो भी मेरी ट्रेवर से बात हो गई और ट्रेवर बोल रहे है कि भाई ये वाली कार नहीं है पीछे के साइड कार खड़ी है तो आता चल के देखते हैं कौन सी कार लेकर आए ओके फटाफट से पीछे चलो अरे एक मिनट गाइज ये तो अपनी खतरनाक वाली गाड़ी है ना फिर ड्राइवर तुझे ये कहा मिल गई भाई ओके okay, तो so मुझे लगता है कि लेस्टर को बताओ अपनी एक कार भाई बैनी के पास खड़ी है मैंने शायद उसे कभी बता दिया होगा ट्रेवर भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है सही में यार मैं यही सोच रहा था कि अंदर मैं चले तो जाऊंगा पर कैप्टन को कैसे बचाऊंगा भाई इस कार में अपन लोगों से बचा सकता है भाई ये भी ना जीवागन से कम नहीं है हाँ, स्पीड इसकी कम है पर बहुत ज्यादा खतरनाक कार है ओके okay, तो ड्राइवर मेरी बात सुन मैं भी मिलिट्री के अंदर जा रहा हूँ भाई अंदर बहुत ज़्यादा तबाही होगी कुछ भी हो जाए तेरे को अंदर नहीं आना है जब तक मैं फोन ना करूँ तू यहीं बाहर रहकर मेरा इंतजार कर और अगर अंदर आया तो गड़बड़ी हो जाएगी पूरा प्लान फेल हो जाएगा तो अभी मैंने ड्राइवर को समझा तो दिया यार फटाफट से कार में बैठते हो और कहा सही में यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक है अभी तो मुझे बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है मैं अंदर बैठे बैठे सबकी बैंड बजा सकता हूँ बहुत सही बस ट्राइवर गाइस कुछ गड़बड़ी ना कर दे मैंने ड्राइवर को समझा तो दिया है कि प्लीज़ भाई जब तक मैं ना बोलूँ भाई अंदर मत आना क्योंकि अगर ड्राइवर अंदर चला गया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है और मैं अभी किसी और को खतरे में नहीं डाल सकता भाई मैं बहुत बड़ा खतरा उठा रहा हूँ गाइस मेरी पूरी टीम मेरे साथ जाने के लिए तैयार है पर मैं किसी को नहीं ले जा सकता ये काम मुझे अकेले ही करना है ओके तो अंदर चले गया डायरेक्ट क्या पहले बाहर से देखे गई जब हम लोग मिलिट्री के सीधे डायरेक्ट अंदर चलते हैं वहां पीछे एक बंदा तो खड़ा था पर मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी मैं सीधे अंदर आ गया ओके तुम लोग सामने देख रहे हो वो रहा टैंकर टैंकर को मेरे को उड़ाना पड़ेगा निकल यहाँ से ओके भाई अभी मेरे को डरने की जरूरत नहीं मैंने टैंकर उड़ा दिया भाई आ जाओ बेटा निकल यहाँ से तेरी दो भाई ये मेरे को उड़ाएगा इससे पहले मैं इसको उड़ा दूंगा गया ये भी टैंकर क्या बात है ओ तेरी। भाई मिलिट्री के टैंक कर तो मैं खिलौने की तरह उड़ा रहा हूं निकलो यहां से ओके कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ बेटा तुम लोग को बताता दूँ। गाइस तुम लोग देख रहे हो एक साथ इतने बंदे यहाँ पर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग पहले से प्लान करके बैठे थे ये लोग मेरा इंतजार कर रहे थे एक तरीके से ओके निकल यहाँ से जो भी सामने आएगा बुरी तरीके से मरने वाला है अभी फटाफट से लेस्टर मेरे को ट्रैक करके बताएगा कि कैप्टन है कहाँ पे तब तक मैं इन सबको निपटाता हूँ आ जाओ बेटा और अगर रशियन माफे यहाँ पे मिल गया ना तो मज़ा ही आ जाएगा इनको ये ही नहीं पता गया जो गाड़ी में चला रहा हूँ ना ये बुलेट प्रूफ है मारो भाई कितनी गोलियाँ चलाओगे निकल यहाँ से और गई अच्छी चीज़ ये है कि मैं एक जगह खड़े होकर कहीं पे मेरे में गोलियाँ चला सकता हूँ एंड मिनी गन भी है मेरे पास ओके टैंकर का क्या हाल किया है मैंने यार जीवागन लेकर आता ना तब तो भी इतनी ज़्यादा तो भाई मच नहीं पाती बट बिना ची वागन के क्या तो भाई मच रही है भाई ये कार भी एक नंबर है ऊपर से देख रहे हो कार्गो प्लेन भी आ गए मुझे पता ही था कि कार्गो प्लेन वाले भी ज़रूर आएंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम सबको मैं निपटाता हूँ निकल यहाँ से बहुत सही तुम लोग देख रहे हो फाइटर जेट आ रहे हैं भाई पहले से ही लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे मैं आऊंगा ये लोग मेरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे निकल यहाँ से ओके यहाँ देख रहे हो एक और फाइटर जेट तू भी निकल यहाँ से भाई जितने भी कार्गो प्लेन जितने भी फाइटर जेट खड़े ना पहले मैं इनको उड़ाता हूँ ताकि यहाँ पे और बंदे ना आ पाए बहुत सही मैंने बड़े बड़े कार्गो प्लेन की बैंड बजा दी देखो सामने एक और हेलीकॉप्टर है उसको भी उड़ाओ एक कार्गो प्लेन है यहाँ पे फाइटर जेट देख रहे हो कितने सारे खड़े हैं ओ थ्री भाई क्या तबाही मच रखी है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई तुम लोग देख रहे हो टैंकर क्या तबाही मचा रहे हैं पूरी जगह हिल रही है पूरी जगह वाइब्रेट हो रही है गाइस खतरनाक तरीके से क्या खतरनाक वाली लड़ाई हो रही है यहाँ पे भाई आर पी जी आर पी जी के अंदर निकलो यहाँ से बड़े बड़े जो इनके कार्गो प्लेन है ना ये उड़ाने है ताकि इनका नुकसान हो मिलिट्री वालों का ओके आ जाओ बेटा अभी यार जल्दी ट्रैक कर भाई अभी लैसट्रा ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है और अगर एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं कर पाएगा तो मुझे ऐसे ही भागते रहना अबे यार ये क्या हो गया फट क्यों नहीं रहा निकल यहाँ से बहुत सही ओके ये लोग रह कहा गए अब नहीं आ रहे ये लोग मिलिट्री वाले कि बैंड बज गई क्या अब कहाँ रह गए लोग निकल यहाँ से आने की कोशिश करेंगे तो मैंने वैसे ही मार दूंगा ओके बच गया निकल यहाँ से एक एक भाई जीप के अंदर चार चार बंदे बैठ कर आ रहे हैं पीछे से देख रहे हो कार्गो प्लेन्स भी आ गए बैकअप वगैरह बुलाओ या कुछ भी बुलाओ कुछ नहीं होने वाला भाई तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते तुम जब तक मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते निकल कल यहाँ से ओके लेस्टर क्या कर रहा है भाई ट्रैक ही नहीं कर पाया तो भी यार काफ़ी देर मिलिट्री बेस में घूमने के बाद फाइनली यार अपने को पता लग चुका है कि यार कैप्टन है कहाँ पर तो कहीं कैप्टन ना मिलिट्री कनल के ऑफिस के अंदर ही है तो मेरे को उसी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा और एक सेकंड यार अभी आर को हटाओ अभी मिनी गन निकालनी पड़ेगी बहुत सही एक सेकेंड यहाँ पे कोई है तो नहीं ना एक मिनट ये देख रहे हो ये कौन भाग रहा है एक मिनट इसके अंदर कौन है अभी मैं लोगों से का तेरी निकल यहाँ से ओके तो अभी मेरे को निकलना पड़ेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है चलाओ जितनी गोलियां चलानी है कुछ है नहीं होने वाला मेरे को निकलो यहाँ से ओके तो गाइज तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के मेरे को जल्दी से जल्दी अंदर जाना पड़ेगा बहुत ही बहुत ही जल्दी, जल्दी 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 मेरे पीछे पूरे लॉस लोहटोस की मिलिट्री पड़ी और अभी तक पुलिस नहीं आए भाई मेरे को लगा था पुलिस भी आ जाएगी फ्रैंकलिन का है बेटा फ्रैंकलिन नजर आ गया ना इसी आरपीजी से उसे मारने वाला हूँ मैं अब भाई गोली वगैरह नहीं चलाऊंगा और देखूंगा नहीं सीधे देखते ही सीधे शूट कर दूंगा मुझे सीधे टॉप पे जाना है बहुत सही मिलिट्री कर्नल के ऑफिस में शायद उसको रखा गया है उसकी हालत भी खराब होगी नीचे तुम लोग देख रहे हो भाई नीचे अभी भी टैंकर्स गोलियां चला रहे हैं भाई पूरी बिल्डिंग हिल रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है बस मैं पहुंच ही गया एक दो फ्लोर और है ना ओके भाई एक तो इतना ज़्यादा फ्लोर लग रहा है ना अभी तो मैं चौथे फ्लोर पे आया हूँ कितना तो और ऊपर जाना है मेरे ख्याल से पांच या छह फ्लोर है ना यहाँ पे आई थिंक मैं पहुंच गया हूँ फिफ्थ फ्लोर अबे कितना और ऊपर जाना है फिफ्थ तो आ गया आप भाई ओके तो अभी यार कित कितना ज़्यादा लग रहा है भाई वैसे मैं इतनी बार आया हूँ इतना ऊपर कभी नहीं लगा बट आज को ज़्यादा ही लग रहा है आज लग रहा है भाई दस पंद्रह फ्लोर की बिल्डिंग का क्या ओके सिक्स फ्लोर पे मैं आ चुका हूँ एक सेकेंड निकलें यहाँ से ये यहाँ पे देख रहे हो मिलिट्री का एक पुराना ऑफिसर यहाँ पे खड़ा हुआ था ओके okay, और है क्या यहाँ पे एक मिनट देखो जो जो दिखेगा मेरे को सब मेरे हाथ से मरने वाले हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करते हैं एक मिनट इन्हें डराने के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ ऊपर एक आर गोला चलाता हूँ ओके okay, निकले यहाँ से बहुत सी गाइस फटाफट से ऊपर चलना पड़ेगा ओके आराम से आराम से कॉल एक मिनट यहाँ पे मिलिट्री का एक ऑफिसर है जो बेहोश पड़ा है एक और यहाँ पर मिलिट्री वाला है कैप्टन तो यहाँ पे है ही नहीं ये गोली कौन चला रहा है एक सेकेंड ओ तेरी वो देखो गाइस एक सेकेंड ये इन्हें मार सकता हूँ क्या मैं निकल यहाँ से नहीं मार सकता और ना वो लोग मुझे मार सकते हैं निकल तेरी ओके टूट गया कांच निकल यहाँ से निकल तेरी तो निकल यहाँ से भाई एक बार आ निकल यहाँ से ओके तो गाइज मैंने यहाँ पे सोट के बंदों को देख रहा हो कहाँ से नीचे गिरा दिया बहुत सही यार यहाँ पे तो कोई नहीं है थोड़ा नीचे चल के देखे क्या एक सेकेंड ये तो बंद है थोड़ा नीचे चल के देखते हैं नीचे भी तो एक दो रूम है ना एक सेकेंड यहाँ पे कोई है क्या ये तो सर्वर रूम है और भी रूम है ना यहाँ पे एक और रूम है शायद यहाँ पे हाँ एक और रूम है ये रहा भाई कैप्टन उठाते हैं गई जल्दी से जल्दी इसको इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है फटाफट से इसको उठाते हैं तो अभी गाइज मैंने कैप्टन को उठा दिया और गाइस जैसी ये उठा सीधे इसने गर निकाल ली तो मैंने इसको बोला भाई गन निकालने की जरूरत नहीं है मैं माइकल ही हूँ तो इसने मेरे को पहचान तो लिया है एंड ये बोल रहा है कि माइकल ने बॉडी सूट क्यों पहन रखा है तो मैंने बोला भाई बहुत लंबी स्टोरी है बाहर चल के समझाऊंगा फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और अभी इसने आरपी निकाल निकाली है आ जाओ आ जाओ भाई कैप्टन फटाफट से आ जाओ अभी हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं ओके तो गाइस कैप्टन आराम आराम से आएगा क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है मैं फटाफट से नीचे चलता हूँ जब तक रास्ता क्लियर करूंगा कैप्टन जल्दी से नीचे आ जाएगा अभी हम लोग को बस गाड़ी के अंदर बैठना है फटाफट से यहाँ से निकलना है और मेरे को कुछ और काम नहीं करना है ड्राइवर भी ही इंतजार कर रहे हैं ड्राइवर के साथ मैं कैप्टन को भेज दूंगा मैं पुलिस से लड़ता रहूंगा पुलिस से तो मैं अपनी जान बचा ही लूंगा ओके तो गाइस देख रहे हो मैं जंप मारते मारते अभी नीचे जा रहा हूँ बहुत सही भाई मैं काफ़ी तेजी से नीचे आ चुका हूँ देख रहो सीधे थर्ड फ्लोर पे आ गया भाई जंप मारते मारते बहुत से वैसे लिफ्ट से मैं ऊपर जा सकता था पर यहाँ की लिफ्ट कभी काम करती है कभी काम ही नहीं करती ओके okay, तो गाइज मैं अभी डायरेक्टली नीचे आ चुका हूँ भाई कैप्टन तो बहुत ही धीरे धीरे आएगा बहुत सही तो गाइज अभी मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पे मेरे को कैप्टन का इंतजार करना पड़ेगा एंड वहाँ तुम लोग देख रहे हो ये लोग अभी भी यहाँ पर खड़े मेरा इंतजार ही कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है कैप्टन तू आराम से आ जब तक मैं इन लोगों को रोकता हूँ बहुत सही आ जाओ बेटा जितने भी आओगे सारे लोग मरने वाले हो मैं पहले से यहाँ पे आर डाल देता हूँ आओ अंदर आओ अभी तुम लोग को बता दो एक सेकेंड एक सेकेंड अभी ये तो यहीं पर आ गया था कि कैप्टन का वेट करते हैं कैप्टन आ जाए फिर निकलते हैं गाइज़ यहाँ से तो अभी गाइस कैप्टन आ चुका है काफ़ी धीरे आया कैप्टन फटाफट से यार जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा ओके क्या यहाँ पे कोई है तो नहीं ना निकल तेरी निकल यहाँ से कैप्टन फटाफट से आ जा यहाँ देख रहे हो गाइस बहुत सारे लोग हैं यार कैप्टन को गोली लग सकती है मुझे नहीं निपटाना पड़ेगा कैप्टन जल्दी से बाहर आ भाई जल्दी से जल्दी ओके okay, कैप्टन आ चुका है अबे कैप्टन तू क्यों नहीं मार रहे इन्हें ओह थ्री भाई कैप्टन ने देख रहे हो निशाना बनाया भी किसको सीधे इनको उड़ा दिया निकलो यहाँ से बहुत सही कैप्टन भाई निकले गए यहाँ से अबे भाई कैप्टन का जाने का कोई मूड नहीं है एक मिनट रुको गाइस मेरे को भी आर पी जी निकालने दो निकले यहाँ से ओके आर पी जी से मारने का एक अलग ही मजा और टैंकर घेरा टैंकर इसको उड़ाता हूँ सबसे पहले तो टैंकर वाले को बचाते हैं इन्हें क्या लगा कि हम टैंकर्स को छोड़ देंगे बहुत सही अभी कैप्टन निकलते हैं भाई तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है निकलते आ जाओ यहाँ से कैप्टन आज जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाते हैं यहाँ से निकलते हैं बहुत सही फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ बाकी कोई दिक्कत नहीं कैप्टन को कुछ अबे बैठ बैठ भाई बाद में इन लोगों से लड़ेंगे बैठ जाओ यहाँ से बहुत सही तो अभी मेरे को फटाफट से आगे से ये हटाने पड़ेंगे अभी हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ ओके बहुत सही कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस फाइनली हम लोगों ने कैप्टन की जान बचा ली और मेरे को पता था मैं उसको बचा लूंगा बस मेरे को पता लग जाए कि वो है कहाँ पे और तुम लोग देख रहे हो निकल यहाँ से दोनों को एक साथ उड़ा दिया तू भी निकल यहाँ से अभी मैं रुक नहीं सकता अभी हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा ओके देख रहे हो पीछे भाई कार्गो प्लेन उड़ा रहे हैं लोग पीछा करने के लिए आ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है आ जाओ बेटा तू भी आ जाओ निकल यहाँ से बहुत सही टैंकर्स में टैंकर्स को उड़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इन सब को तो हम लोग आराम से उड़ा सकते हैं टैंकर को मारने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और ये देख रहे हो ओ भाई ऊपर से हर बीजिए ऊपर से निकल गई गाड़ी के ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है कैप्टन तू पकड़ के है मैं यहाँ से गाड़ी को भगा रहा हूँ हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बहुत सही प्रॉपर से निकलते हैं तेरी तो ऐसी की तैसी ओ तेरी भाई गाड़ी फंस सकती है ब्रिज में पानी में गाड़ी गिर गई तो खराब हो जाएगी पहले इस वाले ब्रिज से निकलते हैं फिर देखते हैं ओके तो कई मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग को ड्राइवर के पास जाना पड़ चाहिए अभी हम लोग को खुद यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि ड्राइवर के पास गए तो वो भी फंस जाएगा अभी बस अपनी जान बचाते हैं जिस चीज़ का मेरे को डर था वही हुआ है पुलिस वाले भी आ चुके हैं ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है डगन बॉस के भाई फार्म की तरफ भागते हैं यहाँ से शायद ऊपर पुलिस अपने को ना ढूंढे वैसे हम लोगों ने तबाही इतनी ज़्यादा मचा दी है कि पुलिस वाले पीछा तो नहीं छोड़ेंगे वो देखो मुझे लगा ही था कहाँ से देख रहे हो आ रही है पुलिस हाथ दे यार कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ बेटा आ जाओ तुम लोग पकड़ नहीं पाओगे पर अभी 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 एक सेकेंड एक सेकेंड गाड़ी फंस सकती है बहुत सही अभी गाइज लेस्टर ही कुछ कर सकता है यार मैं अभी पुलिस से नहीं पीछा छोड़ा सकता क्योंकि पुलिस बुरी तरीके से पीछे पड़ी हुई है फिर तो लेस्टर ने पुलिस को नहीं हटाया तो दिक्कत हो जाएगी ओके 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 ओके, ओके निकल गए निकल गए निकल गए निकल गई एक सेकेंड गए आ गए आ गए बाहर आ गए अब यहाँ से भागते हैं बिना गाड़ी को रोके सीधे भागना स्टार्ट करते हैं और मैं रोड से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पुलिस से हम लोग अपनी जान बचा पाए लेस्टर और हैकर भाई लगे होंगे अपने काम पे पुलिस को हटाने में वो शायद कुछ ही देर में पुलिस को हटा भी देंगे बस मुझे रोड से थोड़ा दूर पे रहना है ओके गाइस अभी रोड के साइड तो आ चुका पर एक काम करते हैं यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है रोड से जितना दूर रहेंगे पुलिस से सेफ रहेंगे पुलिस के हेलीकॉप्टर से तो हम लोग पीछा छुड़ा ही लेंगे पर पुलिस की गाड़ियों से दूर रहना है बहुत सही गाड़ी को भगाते रहते हैं कुछ ही देर में पुलिस को हटाई देगा तो अभी यार काफी देर इंतजार करने के बाद गाइस, फाइनली यार पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया है भाई सुबह से यहाँ पे रात होने वाली है हम लोग एक जगह जाकर बस खड़े हो गए थे और फाइनली हम लोगों ने पुलिस से पीछा छोड़ा लिया अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाकी यार कैप्टन ना भाई बहुत ज्यादा खुश है कि माइकल ने उसकी जान बचा ली कैप्टन बोल रहे हैं कि यार वो लोग ना उसे मारते ही नहीं पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे और खासकर फ्रैंकलिन टॉर्चर कर रहा था फ्रैंकलिन बस बार बार एक ही चीज पूछ रहा था कि माइकल का प्लान क्या है माइकल करना क्या चाहता है और माइकल है कहाँ पे तो इसका जवाब तो गाइज मैं उसे खुद जाकर मिलकर ही दूंगा फ्रैंकलिन बेटा तू टेंशन ना ले मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ गाइज मैं फ्रैंकलिन का पता लगाऊंगा और जब भी वो अपने घर पे जाएगा ना मैं डायरेक्ट उसके घर पे पहुंचाऊंगा चाहे वहां पे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो और बाकी तुम लोग देख सकते हो इस मैं इस साइड से पूरा फिर से घूम कर आ रहा हूँ क्योंकि पीछे ना बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई है इसीलिए हम लोग इस साइड से जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो बाकी मैंने कैप्टन से पूछा था कि यार वहाँ पे फ्रैंकलिन फ्रैंकली था क्या तो कैप्टन बोल रहा है कि नहीं भाई फ्रैंकलिन तो कुछ देर पहले ही वहाँ से निकल गया था अब पता नहीं फ्रैंकलिन गया कहाँ पे है पर कोई दिक्कत नहीं हम लोग उसे ढूंढ जरूर लेंगे तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और इस वाली गाड़ी को हम लोग को छुपाना पड़ेगा क्योंकि हर कोई बंदा इस गाड़ी को पहचानता है तो गाय अभी मैं लॉस टोस नहीं जा सकता पर पलीटो जा रहे हैं पलीटो जाकर इस गाड़ी को पहले छुपाएंगे उसके बाद हमें सीधे जा रहे हैं कहीं सेफ़ जगह पर जहाँ हम लोग को कोई ढूंढा पाए और कैप्टन को मैं वहाँ पर छोड़ दूंगा क्योंकि इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है कैप्टन को कुछ चोटें वगैरह लगी हैं फटाफट से हाईवे से होते होते सीधे निकलते हैं गाइस पलीटो की तरफ तो अभी हम लोग यार कैप्टन को लेकर फ्लिटों पहुंचने वाले थे और गाइज मेरे पास ना भी ट्रेवर का कॉल आया ट्रेवर बोल रहा है कि माइकल एक काम करे फटाफट से उस कैबिन में आ जाए जो जंगलों के बीचों बीच है तो मैंने उसको बोला भाई वहां पे क्या है मैं भी नहीं आ सकता तो ट्रेवर बोल रहा है एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है माइकल जल्दी से आए माइकल देख खुश हो जाएगा मुझे नहीं पता क्या हो गया है पर ट्रेवर यार फोर्स कर रहे हैं तो गाइज जाकर देखना पड़ेगा बाकी कैप्टन तू टेंशन ना ले अभी भाई डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे अपना कैप्टन यार देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता बिल्कुल भी डरता नहीं है कैप्टन बता रहा था कि यार उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसे पता नहीं था कि उसे पुलिस वाले जो लेकर जा रहे हैं ना वो रशियन माफिया के बन्दे और एक सेकेंड देखो ऊपर के साइड जाना है ना कैविन का रास्ता तो मेरे को पता है और ट्रैवर इस कैविन में क्या कर रहा है यार यहाँ तो रशियन माफिया अटैक करा चुका है हद है भाई अगर मिलना था कोई सरप्राइज देना था तो कहीं और आ जाता और भाई यार ये गाड़ी तो सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है भाई यार एक तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है, है। चारों तरफ देख रहे हो मेटल ही मेटल लगा हुआ है इस गाड़ी से ऑफ्रोडिंग करना मतलब एकदम इम्पॉसिबल जैसा है बट कोई दिक्कत नहीं है हम लोग जैसे तैसे करके इसको ऊपर पहाड़ पे लेकर चले जाएंगे एंड यहाँ अबे 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 अब 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 भाई हिरन यार मेरे आगे बताओ यहाँ मैंने जंगली जानवरों को मारने नहीं आया हूँ ओके बहुत सही तो गाइज यहाँ से मेरे को ऊपर को राइट के साइड लेना है ओके राइट मोड़ो अरे 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 आराम से आराम से आराम से भाई ये गाड़ी तो मुड़ने का नाम ही नहीं ले रही है एकदम टॉप पे भाई पहाड़ के वहाँ पे केविन बना हुआ है पता नहीं ड्राइवर वहाँ पहुंचा नहीं पहुँचा पर ड्राइवर यहाँ पे कर क्या रहा है मैं काफी देर से पुलिस से भाग रहा था मुझे लगता है उसी बीच ड्राइवर यहाँ पे आ गया होगा क्योंकि हमें ना पुलिस को पीछे से हटाने में करीब चार पाँच घंटे लग गए वो तो ड्राइवर पता नहीं तब तक यहाँ क्या कर रहा है फटाफट से ऊपर चलते हैं और चल के देखते हैं ड्राइवर भाई यहाँ पे कर क्या रहा है यार केविन में बहुत चुके गाइस फटाफट से देखते हैं यार ड्राइवर का सरप्राइज किया और एक सेकेंड गाइस तुम लोग क्या देख रहे हो भाई ट्रेवर एक बी एमडब्ल्यू लेकर आया भाई क्या बढ़िया कार है तो अभी मेरे को कार से कोई लेना देना नहीं है एक सेकेंड ट्रेवर बाहर तो कहीं नजर नहीं आ रहा पक्का कैविन के अंदर ही होगा से अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि वो है कहां पे एक सेकेंड यार केविन का गेट कहाँ गया ये रहा गेट फटाफट से चलता और एक सेकेंड गाइस उसने किसी को पर एम कर रखा है कोई है क्या अंदर एक मिनट ओ वे तेरी अभी ट्रेवर रशियन माफिया को कहा से पकड़ लिया तूने एक सेकेंड ड्राइवर ये रशियन माफिया ये ना भाई पहले मेरे को ये बता कि ये तेरे को कहा गया तो गाइस अभी मेरी ट्रेवर से यार यार बात हो और गाइस ट्रेवर बता रहा है कि यार जब माइकल मिलिट्री के अंदर गया था मिलिट्री में तो भाई मचाई थी फिर अचानक से यार मिलिट्री के बाहर से एक गाड़ी निकली एक बीएमडब्ल्यू जिस बीएमडब्ल्यू में रशियन माफिया था ट्रेवर ने उसे रस्ते में पकड़ा भाई बहुत ज्यादा पीटा किडनेप की और सीधे यहां पर लेकर आ गया जो ये हालत तुम लोग इसकी देख रहे हो ये ट्रेवर ने की है गाइज मुझे यकीन नहीं हो रहा यार हमने रशियन माफिया को पकड़ लिया

पहली बार ड्राइवर ने कुछ बढ़िया काम किया है अब इससे पहले यहां पर कोई आया फटाफट से अपनी टीम को बुलाते हैं रशियन माफिया अपने पास गाइस। अभी टेंशन की बात नहीं है सारे लोगों को कॉल लगाते हैं तो अभी गाइज मैंने अपनी पूरी टीम को कॉल कर दिया है भाई मैंने अपनी टीम को बताया नहीं कि यार रशियन माफिया हमारे पास है मैंने उन लोगों को बोला है जल्दी से जल्दी भाई कैबिन पे आ जाओ यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है जिसे देखकर तुम सब खुश हो जाओगे क्योंकि ड्राइवर ने भी मेरे को ऐसा ही बोला था एंड मैं भाई मतलब देखते ही खुश हो गया एंड तुम लोग देख रहे हो भाई एक लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है यहाँ पे रशियन माफिया एंड ये गाड़ी मैंने ले जाते हुए नहीं देखी थी और एक सेकेंड भाई इसने आर निकाल लिया हद है भाई यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है बाकी अपनी टीम आ चुकी है पे अपने पास है भाई कैप्टन तू यकीन नहीं करेगा ड्राइवर ने रशियन माफिया को पकड़ लिया वो हमारे कब्जे में है अब हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं आप लोग कॉमेंट करके बताना क्या रशियन माफिया का क्या करे भाई उसे टॉर्चर करे उसे काम निकलवाएं या फिर सीधे शूट कर दे बाकी चलो ठीक है इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड कर दे आई होप आप लोग को मजा आए अगर मजा आए तो प्लीज लाइक करो यार कॉमेंट करके जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा बाकी मैं आप लोग इससे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय